हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर बायो 24/7। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, एक फ्रॉग ड्रॉ है और फ्रॉग लिखा हुआ है, तो आप समझ ही गए होंगे कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल से आज हम क्लास 11th का टॉपिक फ्रॉग डिस्कस करने वाले हैं। फ्रॉग की हम मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजी का मतलब तो आप जानते ही हैं, फिजिक, उसका फिजिक, बाहर से देखकर क्या क्या क्वालिटीज उसमें है, उस अकॉर्डिंग हम इसे पढ़ने वाले हैं। तो आइए इस इंटरेस्टिंग से टॉपिक, इस इंटरेस्टिंग से क्रिएचर को पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में आप लेंगे किंगडम, फाइलम, क्लास। आगे बढ़ते चलेंगे हम, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीशीज। लिखेंगे किंगडम, फाइलम। इसके लिए आप ट्रिक बना सकते हैं, आप बच्चे बहुत इजीली ट्रिक बना सकते हैं, या फिर इजीली याद भी हो जाता है। ऑर्डर, फैमिली, जेनस एंड स्पीशीज। किंगडम, एनिमल किंगडम में आता है ये, हम जानते हैं। ये किस किंगडम में आता है? एनिमल किंगडम में आता है, तो इसीलिए एनिमेलिया। फाइलम, इसका फाइलम क्या है? इसकी अर्ली स्टेज पर नोटोकॉर्ड होती है जो कि वर्टिब्रल कॉलम में डेवलप हो जाती है। बिकॉज ऑफ वर्टिब्रल कॉलम इसको डाला गया है किसमें? कॉर्डेटा। क्लास, इसकी क्लास क्या है बच्चों? एम्फीबियंस। ये ड्यूअल लाइफ जीता है, ये पानी में भी रहता है और टेरिस्ट्रियल भी रहता है, तो एक्वेटिक और टेरिस्ट्रियल दोनों तरह की लाइफ जीने की वजह से इसको बोला है एम्फीबियंस। तो ये क्या है? एम्फीबिया। इसकी क्लास हो गई एम्फीबिया, ड्यूअल लाइफ जीता है। ऑर्डर, इसका ऑर्डर है एन्यूरा। अब ये जानना है एन्यूरा क्या है। एन्यूरा का मतलब देखो बेटा, इसका जो हाइंड लिंब है, पीछे का पैर, इसी वजह से मैंने इसे ड्रॉ किया है। पीछे का जो इसका पैर है, देखो, हाइंड लिंब, फोर लिंब, तो जो इसका पीछे का पैर है, इसको क्या क्या अंतर दिखाई दे रहा है, देख के बताएंगे आप लोग। मुझे तो अंतर दिख रहा है बेटा, क्या? इसमें हाइंड लिंब पीछे के कैसे होते हैं? बड़े होते हैं, और फोर लिंब होते हैं छोटे। तो ये लिंब्स के डिफरेंस की वजह से इसको डाला गया है एन्यूरा में। दे आर कॉल्ड एन्यूरल्स बिकॉज ऑफ लिंब्स डिफरेंस, लिंब साइज डिफरेंस। गॉट इट? नेक्स्ट, फैमिली। इसकी फैमिली है रेनिडी। रेनिडी क्या है फैमिली, इसकी क्या खासियत है? रेनिडी फैमिली जो है, इसमें इनके अपर जॉ होती है, और अपर जॉ और लोअर जॉ में अपर जॉ विद टूथ होते हैं, तो अपर जॉ विद टीथ इज कॉल्ड रेनिडी। ठीक है, इनके अपर जॉ विद टीथ होते हैं, इसीलिए इन्हें रेनिडी फैमिली में डाला गया है। ये एक एक फीचर अगर आपके दिमाग में याद रह गया तो ये आपके लिए क्लासिफिकेशन कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। जेनस, राना, और स्पीशीज, टिग्रीना। अब टिग्रीना क्यों कहा गया? टिग्रीना, देखो, इसकी बॉडी में पैचेस हैं, जैसे आप टाइगर वगैरह फैमिली में देखते हैं, पैचेस होते हैं, धारियां होती हैं, ब्लैक कलर की कहीं लाइट शेड, तो इसकी अपर जो सरफेस है उस पर देख रहे हैं आप, क्या होते हैं? पैचेस होते हैं, इसलिए इसका नाम टिग्रीना। तो फ्रॉग का साइंटिफिक नेम अब मैं लिखने वाली हूं, राना टिग्रीना। ठीक है, और लार्जेस्ट, सबसे लार्जेस्ट स्पीशीज पाई जाने वाली इंडिया में है राना टिग्रीना, सबसे ज्यादा पाई जाती है ये। किंगडम इसका एनिमेलिया, फाइलम इसका कॉर्डेटा, फिर उसके बाद इसकी क्लास एम्फीबिया क्योंकि ये ड्यूअल लाइफ जीता है, ऑर्डर इस एन्यूरा, इसके लिम्स में डिफरेंस है, फोर लिम्स थोड़े से छोटे और हिंड लिम्स थोड़े बड़े, फैमिली रेनिडी है, अपर जॉ लोअर जॉ में अपर जॉ विटीथ होते हैं, जेनस इसका राना है, और इसका स्पीशीज है टिग्रीना, और सबसे ज्यादा राना टिग्रीना हमारे इंडिया में पाई जाती है। अब हम इसके पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टर्स, पढ़ेंगे बच्चों इसके जनरल कैरेक्टर्स। जनरल कैरेक्टर किस कैसा दिखता है ये? सबसे पहले जनरल कैरेक्टर्स हम इसके बाद जाने,
तो इसकी जो स्किन होती है वो कैसी होती है, स्लीपी होती है, मॉइस्ट होती है, इसलिए तो इजीली पकड़ में नहीं आता ये। तो ये कैसा होता है, इसकी स्किन होती है स्लीपी मॉइस्ट, ठीक है। अब ये रहता कहाँ होगा, ये आप देखिए कि ये पानी में भी पाता है, पाया जाता है, और टेरिस्ट्रियल भी है और एक्वेटिक भी है। तो ये किस में रहा रहता होगा, ये पॉन्ड, मडी एरिया, इस तरफ फ्रेश वाटर और मड, इनमें भी पाया जा सकता है। तो ये फ्रेश वाटर, मड, पॉन्ड, यहां पर ये पाया जा सकता है। अगला इसका अगर मैं जनरल फीचर अगर बताऊं तो इसका क्या हो सकता है, आप देखिए कि ये इसकी जो स्किन है ना, स्किन कैसी है, इसकी स्किन दो कलर शो कर रही है, इसकी बॉडी के दो फीचर्स आपको दिख रहे हैं। अपर सरफेस जो डॉर्सल साइड है वो तो है इसकी ऑलिव ग्रीन, और जो वेंट्रल साइड है वो पेल है। तो जो इसका डॉर्सल साइड है जो हमें ऊपर से शो होता है वो कैसे कलर का है, बहुत ही सुंदर कलर है, वो क्या है, ऑलिव ग्रीन। तो डॉर्सल साइड इसकी होती है ऑलिव ग्रीन विद डार्क पैचेस, एम आई राइट, विद डार्क पैचेस, ये स्पॉट्स जो बनाए हैं वो डार्क पैचेस ही तो हैं। और वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड मान लीजिए एक पेल सा कलर, लाइट सा कलर, पेल येलो इसको मान सकते हैं, तो पेल कलर डाल लीजिए, लाइट कलर। और क्या खासियत है इसकी, इसकी जो बॉडी है वो किस तरह का फीचर शो करती है, इसकी बॉडी के पॉलीक्लोथर्मिक है, ये कैसा है, ये पॉलीक्लोथर्मिक है। टेम्परेचर से रिलेटेड अगर मैं इसकी बॉडी में बात करूं तो क्या है, ये पॉइक्लोथर्मिक। अब पॉइक्लोथर्मिक क्या होता है, पॉइक्लोथर्मिक, एक्टोथर्मिक, या हम इसे कोल्ड ब्लडेड भी कह सकते हैं। अब क्या मतलब है इस बात का, तीनों का बात का मतलब एक ही है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स या पॉइक्लोथर्मिक एनिमल्स की क्वालिटी है विच आर नॉट रेगुलेट देयर कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ये अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, इसी वजह से इनको पॉइक्लोथर्मिक या कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। यानी कि ना ये ज्यादा समर सीजन में आपको दिखेंगे, ना ये ज्यादा आपको बहुत विंटर में दिखेंगे, तो ये कब दिखते हैं, ये दिखते हैं रेनी सीजन में, जो सीजन आपको सबसे ज्यादा पसंद आता है, बरसाती मौसम। तो सबसे ज्यादा ये दिखेंगे बरसाती मौसम में। तो फिर सर्दी और गर्मियों में ये क्या करते होंगे भाई, ये सर्दी और गर्मी में कहाँ जाते हैं भाई, टेम्परेचर तो रेगुलेट कर नहीं सकते, तो फिर ये क्या करते हैं। ये टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते उसका कारण भी है, क्या कारण हो सकता है, क्योंकि टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए एनर्जी को बहुत एक्सपेंस करना पड़ता है, एटीपी को, और ये एटीपी एक्सपेंस नहीं कर पाते हैं। तो ये एटीपी का एक्सपेंस मिनिमाइज करने के लिए क्या प्रोसीजर अपनाते होंगे, ये अपनाते हैं दो टेक्निक, एस्टिवेशन और हाइबरनेशन, एस्टिवेशन और हाइबरनेशन। एस्टिवेशन मतलब समर स्लीप, जब ज्यादा समर है तो समर के टाइम पर छिप जाएंगे उस सीजन पे, अपना रहेंगे छुपकर, और जब हाइबरनेशन का टाइम आएगा विंटर स्लीप, सर्दियों में भी ये गायब हो जाएंगे। तो ये हमें दिखते कब है, ये मिलेंगे हमें ओनली रेनी सीजन में, सबसे ज्यादा रेनी सीजन में ये क्या होते हैं, हमें फाउंड होते हैं सबसे ज्यादा फाउंड। ये इनका बड़ा ही अच्छा मौसम है निकलने का, रेनी सीजन, ठीक है। अब हम आगे पढ़ना चाहें, इसके बॉडी फीचर में बहुत कुछ जानने लायक है। ये एक और चीज एनसीईआरटी में लिखी हुई है, नेवर ड्रिंक वाटर, ये लिख रहे हैं कि पानी नहीं पीते हैं ये, व्हाई भाई, ऐसा थोड़ी है पानी में रहेगा इसलिए पानी नहीं पी रहा है, कारण क्या हो सकता है, पानी से बाहर भी तो रहता है ये।
ये पानी इसलिए नहीं पीते बिकॉज इनकी जो स्किन है वो स्लीपी है, मॉइस्ट है, एक वैक्सी सा लेयर है। तो ये जो इनकी स्किन है जब ये पानी में होते हैं तो पानी वहीं से एब्जॉर्ब कर लेती है, तो इसे पानी पीने की जरूरत नहीं है और पानी इसकी बॉडी से बाहर उतना जाता भी नहीं है। तो ये क्या है, कभी भी पानी नहीं पीते, नेवर ड्रिंक वाटर, बिकॉज इनकी स्किन ही एब्जॉर्ब कर लेती है। और इतना पानी, इतनी मॉइस्ट स्किन होने की वजह से ये टेरेस्ट्रियल पे भी अगर रहें तो इनको पानी का लॉस, वाटर लॉस इन्हें नहीं होता है, तो इसकी वजह से ये पानी नहीं पीते। ठीक है, अब अगर हम इसके स्किन तक बात हो गई, हमने इसका टेम्परेचर देख लिया, रेनी सीजन में मिलते हैं, पानी नहीं पीते, और भी खासियतें हैं और क्या क्या है। आपको लिम्स का डिफरेंस पता चल गया। अब मैं इसको एक बार रब कर रही हूं क्योंकि हमारे पास बोर्ड में इसको पढ़ने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास, तो इसको मैं अभी हटा देती हूँ। चलिए फ्रॉग भैया यहां से हट जाइए, अब हम कुछ और करते हैं। आप बच्चों ये और भी जो फीचर्स हैं वो क्या है, देखो मेंढक जो होता है ना वो डिफेंस कैसे करता है, अगली क्वालिटी अगर मैं इसकी बताना चाहूं तो क्या डिफेंस कैसे करता है। आपने देखा जब भी आप कभी उसके पास जाते हैं तो वो जंप कर लेगा, ठीक है, जैसे हमें एनिमल को देख के डर लगता है ना, हमें नहीं पता कि उसे भी बहुत डर लग रहा होता है, इसीलिए डिफेंस की वजह से या तो वो अटैक करेगा या भाग जाएगा, दो ही काम करेगा। ये कैसे डिफेंस करता है, इसके डिफेंस के तरीके हैं कैमोफ्लाज, कैमोफ्लाज और मिमिक्री। क्या इन दो शब्दों में कुछ अंतर है, आइए समझते हैं। कैमोफ्लाज में क्या होता है कि बच्चों ये एनिमल क्या होता है, अपनी सराउंडिंग्स देख लेता है। अभी अपनी सराउंडिंग देख रहा है कि ग्रीन कलर की है पूरी, तो ये उस सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग इसकी स्किन पर क्रोमेटाफोर्स होते हैं। क्रोमेटाफोर्स जो होते हैं वो पिगमेंट देते हैं, कलर शो करते हैं, बहुत सारे कलर दे सकते हैं। तो वो जो क्रोमेटाफोर्स है, जब सराउंडिंग इसने देख ली है, इसके सेंस को पता चल गया है कि ग्रीन कलर है बाहर, तो ये क्या करेगा, अपनी सराउंडिंग को देखते हुए अपना कलर वैसे ही चेंज कर लेगा, बिकॉज इसकी स्किन पर क्रोमेटाफोर्स प्रेजेंट होते हैं, और अपना कलर ग्रीन कर लेगा। तो उस सराउंडिंग में क्या ये नजर आएगा, नहीं, ये बहुत ही जैसे कि ब्राउनिश सा एरिया है, सॉइली सॉइल है, या ट्री के उस वाले हिस्से पर है जहां पे ब्राउन है, तो ये सराउंडिंग देख लेगा, उस सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपना कलर वैसा ही चेंज कर लेगा। तो कैमोफ्लाज होता है कि डिफेंस बाय पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन यानी कलर चेंज करके ये अपने आप को बचा लेगा। अब आते हैं हम मिमिक्री के पास। बात अगर आप कहेंगे तो कैमोफ्लाज यही तो है, कैमोफ्लाज और मिमिक्री अपने आप को वैसा बना लेना, नहीं, कैमोफ्लाज में वो अपनी कलर को चेंज कर रहा है, सराउंडिंग को देख के अपने आप को वैसा बना रहा है। और मिमिक्री में क्या कर रहा है, वो मिमिक्री होती है कि सपोज दैट सामने कोई है, हम उसके जैसा एक्ट कर ले ताकि जो आपका प्रीडेटर है वो क्या करे, थोड़ा सा भ्रमित हो जाए कि नहीं ये नहीं है जिसको मैं ढूंढ रहा हूं। ठीक, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई एक ग्रुप है, उस ग्रुप को नहीं आया पकड़ने प्रीडेटर, पर वो फ्रॉग को पकड़ता है, तो वो क्या करेगा, फ्रॉग उस ग्रुप में जाके उस ग्रुप की जैसी हरकतें करने लग जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, मिमिक्री, एक्ट लाइक सम अदर ऑर्गेनिज्म, इससे भी वो अपने आप को बचा सकता है। इसे मिमिक्री कहते हैं, और अपने आप को पूरा सराउंडिंग के कलर जैसा बना लिया उसको क्या बोलेंगे, कैमोफ्लाज। तो दो बातों में बड़ा डिफरेंस है, कैमोफ्लाज में होता है कि इसने ब्राउन कलर देखा और अपने क्रोमेटाफोर्स को सेंस देकर के बता दिया कि भाई अब स्किन को वैसा होना है, तो इसको क्या बोलते हैं, कैमोफ्लाज। और मिमिक्री एक्ट लाइक सम अदर ऑर्गेनिज्म, झुंड में जाकर अपने आप को बचाना इसका एक डिफेंस है। तो देखा ये मतलब कितना समझदार है कि ये डिफेंस करता है, तो सोचो इसका नर्वस सिस्टम कितना बढ़िया होगा, तो हम उसको भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी पे आएंगे तो इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसका एक्सक्रेटरी सिस्टम, इसका नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, हम आगे की वीडियोज में उनको सीखेंगे। आज जो हम सीखेंगे इसका बाहर का फिजिक देखते हैं कितना इंटरेस्टिंग है। चलिए,
क्या इसने डिफेंस कर लिया। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे टॉपिक, हम पढ़ेंगे बच्चों इनकी आई के बारे में। अब इनकी आई देख लेते हैं, ठीक है। आईज, तो मेंढक की जब मैंने ऐसा माउथ बनाया था ना, तो उसकी आईज आपने देखी हो तो ऐसे बनाई थी, गोल गोल। इनकी आंखें गोल, बड़ी बड़ी और डबल लेयर। तो इनकी आंखें दोनों साइड, जैसे अपनी ये एक साइड है फेस पर, यहां इनकी आंखें यहां और यहां, दो साइड। तो जब ये इस साइड की आंख है ना, ये इस साइड का पूरा विजन देख रही है और इस साइड की आंख ये वाला पूरा विजन देख रही है। तो इनकी दोनों आंखें दोनों अलग अलग विजन को देख सकती है। इसी वजह से, यानी एक आंख एक साइड का और एक आंख एक साइड का, तो इसी वजह से इस विजन को कहते हैं मोनोऑक्युलर विजन। क्या कहते हैं? मोनोऑक्युलर विजन। और हम लोग बाय आर टू आईज वी कैन सी ओनली द वन इमेज, दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड बाइनोक्युलर विजन, ठीक है। तो इनकी आईज दोनों साइड का अलग अलग विजन देख पाती हैं, तो मोनोऑक्युलर विजन। ये बहुत अच्छी क्वालिटी है, दोनों साइड का देख रहा है। अब दूसरी बात, आंखों के ऊपर देखना एक और राउंड मैंने बनाया, वो आंखों की प्रोटेक्शन करने के लिए एक मेम्ब्रेन होती है जिसको निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन क्या करती है, जब ये पानी में है तो पानी से प्रोटेक्शन करती है, प्रोटेक्शन बाय द वॉटर। तो ये आई की ऐसी लेयर है जिससे क्या करेगी, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिव लेयर। सोचा था आपने कभी कि इसकी आंखें इतनी इंटरेस्टिंग होंगी? नहीं सोचा होगा, पर देखिए कि नेचर ने कैसे बनाया इनको। अब हम आईज के बाद बात करें, मैंने यहां एक डॉट सा बनाया था। तो एंटीरियर जो साइड है, बिल्कुल डॉर्सल साइड से आगे जाएंगे, एक एंटीरियर साइड में एक नेयर्स, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, नॉस्ट्रिल जैसे अपने, इनके क्या प्रेजेंट होते हैं, नेयर्स। नेयर्स से क्या होगा भाई, स्मेल, इनका रेस्पिरेशन और चीजें, तो नेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब उसका यूज हम अभी देखेंगे, क्योंकि हमें अभी रेस्पिरेशन सिस्टम पूरा पढ़ना है। अब ये हो गया, उसके बाद इन्होंने अपना आईज देख लिया, इन्होंने अपना नेयर्स बता दिया, अभी क्या रह गया इसका, क्या पढ़ना चाहिए हमें, चलिए उसको देखते हैं। तो बच्चों मैं इसे रब कर रही हूँ, क्योंकि हमें अभी इस पूरा साइड कवर करना पड़ेगा, बहुत सारे हमारे पास मॉर्फोलॉजी में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। तो इसको रब कर रही हूँ मैं, ये राना डिग्री ना रहने देती हूँ मैं, ठीक है, और इसका मुंह रहने देती हूँ, क्योंकि पढ़ तो इसी को रहे, बेचारे इसी का नाम मिटा दे। एक मैंने आंखों के जस्ट पीछे बनाया था ऐसे काला सा, वो क्या था, ईयर। अब हम इसके ईयर की बात कर ले, पूरे सेंस की बात कर ली है हमने, इसका स्किन, आई, ईयर, नोज, सब बात कर लिया हमने इसका, ठीक है। अब क्या है, ईयर टिम्पैनिक, टिम्पैनम बोलते हैं इसको, जो हिस्सा हमारे इनर ईयर का पार्ट है ना, वो हिस्सा इसके बाहर है, ये टिम्पैनम है, साउंड के लिए सुनेगा, ये टिम्पैनम है, इसका हमारा इनर ईयर और इसका आउटर ईयर, टिम्पैनम और ईयर ड्रम। तो ये सेंस भी बड़ा इसका बढ़िया है, इसको ईयर वाला हिस्सा कहते हैं। अब आ जाते हैं इनके पैरों की तरफ, लेग्स, लिम्स आ जाते हैं। अब लिम्स में बड़ा डिफरेंस है, अगर हम इसके लिम्स देखें बच्चों, तो फोर लिम्स की बात करते हैं पहले। फोर लिम्स मैंने कुछ छोटा सा बनाया था ऐसे, कुछ फूला हुआ हिस्सा, टोटल मिलके डिजिट कितने हैं, फिंगर कितने हैं इसमें, चार, फोर डिजिट है। और फोर फिंगर में आपने फर्स्ट फिंगर अगर देखी हो, तो फर्स्ट फिंगर जो है वो स्वॉलन है, फर्स्ट वाली क्या है, स्वॉलन है। अब स्वॉलन फिंगर जो है वो क्या है, ऐसे अलग से क्यों बनाई है, नॉर्मल भी तो हो सकती थी ना, वो अलग से क्यों बनाई है, बिकॉज वो जो स्वॉलन फिंगर है वो क्या है,
उस पर क्या लगा हुआ है, कॉपुलेटरी पैड। क्या लगा हुआ है, कॉपुलेटरी पैड। ये फर्स्ट फिंगर में क्या प्रेजेंट है, कॉपुलेटरी पैड। क्या यूज है इसका, देखो बच्चों इसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो उस तरीके का मैकेनिज्म नहीं होता है जिस तरीके की आप ह्यूमंस में देखते हैं। इसमें क्या होता है, या अदर एनिमल्स का आपने सुना हो, लेकिन इसमें क्या होता है कि कॉपुलेटरी पैड है ये फर्स्ट फिंगर में, तो ये कॉपुलेटरी पैड की वजह से फिंगर स्वॉलन हो जाती है। फोर मंथ में होता है ये, और मेल के पास होता है। किसके पास होता है ये, मेल फ्रॉग के पास। ये खास बात है, ये मेल फ्रॉग के पास है, फीमेल फ्रॉग के पास नहीं है। तो मेल फ्रॉग के पास है ये, ठीक है। फीमेल फ्रॉग के भी फोर लिम्ब छोटे होते हैं, हिंड लिम्ब बड़े होते हैं, पर कॉपुलेटरी पैड सिर्फ और सिर्फ मेल फ्रॉग पे मिलेगा, फीमेल फ्रॉग पे नहीं मिलेगा। ओके, ये डिफरेंस आ गया अगर कोई हमसे पूछे तो। तो इस कॉपुलेटरी पैड का क्या है कि इनका रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है वो उस तरीके का नहीं है कि जो नॉर्मल प्रोसीजर हो सके वो उस तरीके से हो पाए। तो इसमें क्या होता है, ये कॉपुलेटरी पैड यूज किया जाता है फीमेल को एक्टिव करने के लिए। फीमेल को, इसका मतलब ये सिर्फ इस हिस्से से फीमेल को एक्टिव करेगा फॉर मेटिंग, एक्टिव करेगा इससे। इससे वो प्रोसीजर नहीं होगा लेकिन उससे एक्टिव करेगा, फीमेल को एक तरीके से कन्विंस करेगा फॉर मेटिंग, ठीक है। तो ये फीमेल फ्रॉग, सॉरी मेल फ्रॉग अपनी फीमेल को एक्टिव करने के लिए कॉपुलेटरी पैड का इस्तेमाल करता है, पर प्रोसीजर तो वो है नहीं, तो इसको बोलते हैं कॉपुलेटरी पैड यूज फॉर फॉल्स कॉपुलेशन। किसकी वजह से, फॉल्स कॉपुलेशन, जिसको हम सूडो कॉपुलेशन भी कहते हैं, सूडो कॉपुलेशन भी इसको कहते हैं, ठीक है। मेल फ्रॉग के पास है तो मेल फ्रॉग फीमेल को एक्टिव करने के लिए, कन्विंस करने के लिए सूडो कॉपुलेशन करता है बाय दिस कॉपुलेटरी पैड, जो कि फोर लिम्ब में प्रेजेंट होता है मेल के पास, फीमेल के पास ये नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है। बाद में उसके क्या होता है, जब फीमेल एक्टिव हो जाती है तो जो इनका स्पर्म है, मेल अपना स्पर्म और फीमेल अपना क्या, ओवा, एग्स, कहाँ छोड़ देंगे, पानी में छोड़ देंगे, फर्टिलाइजेशन बाहर ही होगा। तो मैंने कहा ना नेचुरल प्रोसीजर नहीं है, नेचुरली होता है तो इनर होता, वो स्पर्म अपने वो फीमेल के अंदर, आपके वो फीमेल का जो पार्ट है उसके अंदर डालता रिप्रोडक्टिव में, और उसने ऐसा नहीं किया, उसने सिर्फ फीमेल को एक्टिव किया, इनका एक फॉल्स कॉपुलेशन हुआ, फॉल्स कॉपुलेशन के बाद स्पर्म और एग्स रिलीज हो गए, तो वो इनका काम हुआ। पर ये काम कब हुआ, रेनी सीजन में, क्योंकि निकलते ही रेनी सीजन में, तो रेनी सीजन ही इनका रिप्रोडक्शन का सबसे अच्छा टाइम है। अभी ये पॉइंट भी हम डालेंगे। फोर लिम्स के बाद आ जाइए हाइंड लिम्स। अच्छा, फोर लिम्ब में कितने डिजिट, चार डिजिट, ठीक है। अब फोर लिम्ब में देखो कोई वेब नहीं है, तो फोर लिम्ब होते हैं अनवेब्ड, अनवेब्ड फीट। फोर लिम्ब कैसे होते हैं, अनवेब्ड, ये फीमेल में भी मिलेगा कैरेक्टर, है ना। तो अनवेब्ड होते हैं मतलब फ्री फिंगर्स होते हैं, तो फ्री फिंगर्स से क्या होता है, इनका काम है पकड़ना, चीजों को पकड़ेंगे, लीपिंग करेंगे, हॉपिंग कर सकते हैं ये, तो इसका काम है, इनके फोर लिम्स क्या किस काम आते हैं, चीजों को होल्ड करने के लिए काम आते हैं। अब आ जाइए हाइंड लिम्ब। हाइंड लिम्ब की अगर मैं बात करूं तो हाइंड लिम्ब कैसे होते हैं, थोड़े से बड़े, मैंने बनाया था ना, और बड़े होने के साथ साथ दो तीन चार, कितने हो गए, एक दो तीन चार पांच, फाइव डिजिट, फाइव फिंगर, और फाइव में जो एक हिस्सा है वो थंब वाला है, फोर फिंगर वन थंब, और थंब अगर हम ऐसे भी याद करना चाहें तो फोर आगे वाले लिम्ब में थंब नहीं होता, पीछे वाले लिम्ब में थंब होता है मेल और फीमेल में, और आगे वाले लिम्ब में पहली फिंगर कॉपुलेटरी पैड है मेल फ्रॉग में, ठीक है, जो कि फीमेल को एक्टिव करने के काम आती है। एक दो तीन चार पांच हाइंड लिम्ब कैसे होते हैं, बिग, भाई बड़े होते हैं, और ये साइज में कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, ठीक है। अब ये पैरों का बड़ा अच्छा डिफरेंस है, अब मैं बना रही हूं, देखो उंगलियों के बीच में आप देख पा रहे होंगे, नेट सा बना रही हूं, तो ये जो नेट है वेब्ड फीट है, कैसा है, वेब्ड फीट है, पीछे के पैर कैसे, वेब्ड फीट,
और कैसे बड़े, और कैसे 5 डिजिट, और काम किस लिए आते हैं, स्विमिंग, किसके काम आते हैं ये, फॉर स्विमिंग। तो आगे वाले किसके काम आते हैं, फॉर होल्डिंग थिंग्स। ठीक है, ये हमारा फीट का डिफरेंस हो गया। अब इनका रिप्रोडक्शन का टाइम कब है, अगला पॉइंट। तो अगर मैं रिप्रोडक्शन के लिए, क्योंकि देखो अब आपने फ्रॉग में क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, आपने उसका साइंटिफिक नेम पढ़ लिया, आपने उसका पॉलिक्लोथर्मिक पढ़ लिया, हाइबरनेशन एस्टिमेशन देख लिया, रेनी सीजन में सबसे ज्यादा मिलते हैं, इंडिया में लार्जेस्ट स्पीशीज राना टिग्रीना, कभी ये पानी नहीं पीते, इनका डिफेंस पढ़ लिया, इनके आईज नोज ईयर ये हमने सब पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ेंगे बच्चों, ये वाला साइड रब कर रहे हैं क्योंकि अभी और भी बहुत कुछ बाकी है, सोचिए मॉर्फोलॉजी में इतना है तो एनाटॉमी कितनी होगी, तो हम इसे रब कर दे रहे हैं। अब हम इसकी आवाज के बारे में बात करेंगे, तो इसकी आवाज के बारे में क्या बात करें बच्चों, देखिए इसके वोकल सैक्स और वोकल कोड। देखो रेनी सीजन में ये बाहर आ गया तो ये बाहर आएगा, रिप्रोडक्शन का टाइम भी वही है, ये सबसे ज्यादा अपने फ्रेंड्स को कैसे बुलाएगा, आवाज के थ्रू, इसकी आवाज देखते हैं। तो जो मेल फ्रॉग है उसमें वोकल सेक्स और वोकल कोड दोनों मिलते हैं, जिसकी वजह से मेल फ्रॉग की आवाज लाउड होती है। तो मेल फ्रॉग ज्यादा शोर करता है, वो टर टर की आवाज करके सबसे ज्यादा शोर कौन करता है, मेल फ्रॉग। तो मेल फ्रॉग जो है वो वोकल सेक्स और वोकल कोड की वजह से इसकी आवाज कैसी होगी, लाउड होगी। तो मेल फ्रॉग में वोकल सेक्स और वोकल कोड, पर फीमेल में ओनली वोकल कोड प्रेजेंट होता है, वोकल सेक्स प्रेजेंट नहीं होता। तो फीमेल की आवाज लाउड नहीं होती है और थोड़ी इस मेल फ्रॉग से कम होती है, ये किस में मिलेगा, फीमेल फ्रॉग में। तो देखो फीमेल्स के बाद अगर मैं दूसरा डिफरेंस बताना चाहूं तो वो दूसरा डिफरेंस क्या है इनका, वोकल कोड, वोकल सेक्स। तो मेल फ्रॉग की आवाज ज्यादा और फीमेल फ्रॉग की आवाज थोड़ी कम, बिकॉज ऑफ वोकल सेक्स आर एब्सेंट इन फीमेल फ्रॉग। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, हमने इसकी बात कर ली, अब हमें किसकी बात करनी चाहिए, इनका रिप्रोडक्शन टाइम क्या होता है। रेनी सीजन, इनका मेटिंग टाइम कब होगा भाई, मेटिंग होगी कब, रेनी सीजन में। रेनी सीजन में क्या होगा, मेल फ्रॉग आवाज करके, देखो हम सारे पॉइंट रिलेट कर लेते हैं, मेल फ्रॉग तेज तेज आवाज करेगा अपने वोकल सेक्स की तरह, अपनी फीमेल को बुलाएगा और अपने कॉपुलेटरी पैड से फीमेल्स को एक्टिव करेगा, और एक्टिव करने के बाद जो प्रोसीजर है उसका आगे प्रोसीड होगा। ठीक है, तो फॉल्स कॉपुलेशन करता है, सूडो कॉपुलेशन करता है, कितनी अच्छी क्वालिटी है, इसके फोर लिम्स और हिंड लिम्स में डिफरेंस मिलता है। अभी आपको एक बात और बताते हैं, फीमेल फ्रॉग साइज में बड़ी होती है, फीमेल फ्रॉग बड़ी होती है साइज में और मेल फ्रॉग साइज में छोटा होता है, और मेल फ्रॉग साइज में छोटा, स्मॉल। और देखो इस क्वालिटी को जो साइज डिफरेंस लेकर आया है दोनों का, इसे कहते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। तो ये क्या शो करता है, फ्रॉग सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो कर रहा है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करता है। इसकी बॉडी के कितने हिस्से पढ़ लिए हमने, बॉडी पार्ट्स, सब कुछ तो पढ़ लिया। अगर देखें तो बॉडी के दो हिस्से, हेड और ट्रंक, एक हेड वाला रीजन जिसमें आई ईयर नेयर्स आपने सब पढ़ लिया, और एक रीजन आप पढ़ेंगे, क्या रीजन पढ़ेंगे आप, दूसरा ट्रंक वाला रीजन जिसमें आपने स्किन का अपर कलर, इनर कलर, फिर आपने लिम्स का डिफरेंस, आपने ये सब उसमें पढ़ लिया। एक और खास बात, मेंढक की फ्रॉग, अब मैं फ्रॉग का थोड़ा सा फ्रंट व्यू बनाती हूँ आपके सामने, सोचो ये मेंढक सामने से देख रहा है, ये कुछ ऐसा बन गया, तो ये इसकी दोनों आंखें जिसमें
क्या मूवेबल निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो उसकी प्रोटेक्शन करेगी किससे, अंडर द वॉटर, यहाँ पे बीच में दोनों आंखों के बीच में काला काला गहरा सा मैंने स्पॉट बनाया है, उस स्पॉट को ब्राउन स्पॉट को कहते हैं वेस्टिजियल पीनियल ग्लैंड। तो दोनों आंखों के बीच में मिलती है वेस्टिजियल पीनियल ग्लैंड। ये वेस्टिजियल पीनियल ग्लैंड जो काम हमारे में था सेम, वहां पे भी तो बायोलॉजिकल क्लॉक है ये, तो यहाँ पे क्या कर रही है ये, एक तरीके से टाइम बता रही है इसे, टाइम ऑफ ब्रीडिंग। इसे पता चल गया भाई ब्रीडिंग का टाइम हो गया, इसे पता चल रहा है धूप आ रही है भाई बहुत तेज धूप आ रही है, ग्लैंड ने देखा और बता दिया ठंड हो रही है, टाइम ऑफ ब्रीडिंग वेस्टिजियल पीनियल ग्लैंड से पता लग गया। अब इसमें एक और बात देखो, फाल्स कॉपुलेशन हो गया, फाल्स कॉपुलेशन के बाद क्या होता है कि मेल ने अपने स्पर्म और फीमेल ने अपने, जैसे मेल का ये स्पर्म है और फीमेल ने अपना एग छोड़ दिया कहां, पानी में, ये लो पानी बना देते हैं, तो बाद में क्या होगा ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको क्या बोलते हैं, टेडपोल। ठीक है, तो मेल फ्रॉग का डेवलपमेंट कैसा है, सबसे पहले क्या आएगा वो, सॉरी फ्रॉग का डेवलपमेंट कैसा है, क्या बनेगा, फर्टिलाइजेशन के बाद टेडपोल, और टेडपोल से आगे जाके एडल्ट फ्रॉग बनेगा चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, टेडपोल, टेडपोल से बनेगा क्या, फ्रॉग, एडल्ट फ्रॉग। तो पहली स्टेज इसकी पानी में जो काले काले से आपको तैरते हुए बरसाती सीजन में दिख जाएंगे, छोटे छोटे होते हैं ये, होते हैं टेडपोल और फिर फ्रॉग बन जाते हैं, बहुत सारे फ्रॉग बनते हैं। तो ये क्या है, ये पूरा हमारा मेल फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी है। ठीक है, मेल फ्रॉग का सब सॉरी फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी है, और फ्रॉग में हम फ्रॉग की किस स्पीशीज को पढ़ रहे हैं, राना टिग्रीना। राना टिग्रीना हमारे इंडिया में लार्जेस्ट स्पीशीज है जो पाई जाती है एनिमेलिया किंगडम में। अब इसका जो क्लासिफिकेशन है, सबसे पहले हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, एनिमेलिया में आता है ये, फाइलम इसका कॉर्डेटा है, क्लास इसकी क्या है, एम्फीबियन, ऑर्डर एन्यूरन है, जेनस क्या है इसका, राना, इसका स्पीशीज क्या है, इसकी स्पीशीज है टिग्रीना। ठीक है, अब हम आगे जब पढ़ते हैं तो हम इसके मॉर्फोलॉजी को पढ़ने के लिए इसके जनरल फीचर्स, जनरल कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं। जब हमने इसको बाहर से, क्योंकि मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, अब आप मेंढक को बाहर से ही देख लीजिए, जब आप मेंढक को देखते हैं तो इसका ऊपर का कलर कुछ अलग और नीचे का कलर कुछ अलग। तो ऊपर का जो कलर है वो कैसा है, ऑलिव ग्रीन, और नीचे साइड वेंट्रल साइड का जो कलर है वो कैसा है, वो है पेल, लाइट कलर है। मेंढक की अगर आप देखें तो ये पकड़ में नहीं आता, बिकॉज इसकी स्किन स्लीपी होती है, मॉइस्ट होती है बिकॉज ऑफ क्यूटेनियस, और इसी वजह से ये, इसको पानी की ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि स्किन ही पानी को बहुत एब्जॉर्ब कर लेती है, तो इसीलिए पानी कभी नहीं पीता है, मॉइस्ट स्किन होती है, पानी का लॉस भी नहीं होता तो उसे पानी की इतनी जरूरत नहीं है। मेंढक की दो बड़ी बड़ी आंखें जिनमें से एक आंख एक साइड का विजन और एक आई दूसरी साइड का विजन देख सकती है, तो दो साइड का विजन एक साथ पे देखने वाले उसको क्या कहते हैं, फीचर्स को वो कहते हैं हम मोनोक्युलर विजन होता है इसका। इसकी दोनों आंखों के बीच में एक ब्लैक स्पॉट है, सॉरी ब्राउन स्पॉट है, जो क्या है, वेस्टिजियल पीनियल ग्लैंड, जो इसका टाइम ऑफ ब्रीडिंग बताएगा। उस ब्राउन स्पॉट को क्या बताना है, उसको टाइम ऑफ ब्रीडिंग। इसके ऊपर की स्किन में डार्क पैचेस है, इसीलिए इसको टिग्रीना स्पीशीज में डाला है। इसके ईयर, इसका जो आउटर ईयर है वो हमारा इनर ईयर होता है, टिम्पैनम, ईयर ड्रम, ये साउंड भी अच्छे से सुन सकता है। बाहर दो नेयर्स प्रेजेंट है, पासेस ऑफ गैसेस भी इजीली हो सकता है। और अगर इसकी बॉडी देखें, हेड और ट्रंक दो हिस्सों में बटी हुई है, तो हेड वाले हिस्से को हम बात कर चुके हैं, अब ट्रंक वाले हिस्से में इसके आगे के पैर और पीछे के पैर दोनों फीट को अगर हम देखें तो फोर लिम्स और हैंड लिम्स में बड़ा डिफरेंस है, फोर लिम्स छोटे और हाइंड लिम्स बड़े होते हैं। फोर लिम्स में मेल में फर्स्ट फिंगर में फोर डिजिट और फर्स्ट फिंगर में कॉपुलेटरी पैड होते हैं, जिससे वो फीमेल को एक्टिव करता है फॉर कॉपुलेशन। हैंड लिम्स थोड़े इसके बड़े होते हैं और उनमें फाइव डिजिट होते हैं, और फाइव डिजिट में बीच में वेब होता है, क्योंकि इसे स्विमिंग भी करनी है तो पानी में स्विमिंग करने के लिए हेल्पफुल है इसके हाइंड लिम, और चीजों को होल्ड करने के लिए हेल्पफुल है इसके फोर लिम।
ठीक है, फीमेल फ्रॉक थोड़ी बड़ी होती है और मेल फ्रॉक थोड़ा छोटा होता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म ये शो करता है। ऐसे ही फीमेल फ्रॉग में फोरलिम्स में कॉपुलेटरी पैड नहीं होता, पर मेल फ्रॉग में होता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा मेल और फीमेल के बीच डिफरेंस है। मेल फ्रॉग का वोकल सेक्स और वोकल कोड दोनों मिलते हैं, तो साउंड मेल फ्रॉग का ज्यादा लाउड होता है, जब ये अपनी फीमेल को बुला सकता है, अब एक शोर बना सकता है। पर फीमेल फ्रॉग में क्या होता है, वोकल कॉर्ड होते हैं, वोकल सेक्स नहीं होते, तो उनका साउंड थोड़ा कम होता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो बच्चों आज के हमने टॉपिक में फ्रॉग राना टिग्रीना को फुली एक्सप्लेन्ड मॉर्फोलॉजी को पढ़ा। नेक्स्ट वीडियोस में हम एनाटॉमी पढ़ेंगे और आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो तब तक के लिए बच्चों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।